दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में सोमवार को राजस्थान के कोटा में भक्तों की भीड़ ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जिससे खुश होकर पंडित जी ने देश के सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत के इतिहास में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो रोज वामपंथियों को खून के आंसू रुला रहे हैं। अभी तक जितने भी न्यूज चैनल वालों ने उनसे घुमा फिराकर प्रश्न पूछे, पंडित जी ने बिना कोई लाग लपेट के एकदम सटीक जवाब दिए हैं। वह रोज नई नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, जिस बात को बोलने में देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का मुंह बंद हो जाता है, पंडित जी उसी बात को बहुत सरलता से कह देते हैं। जय बागेश्वर धाम।